हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी संपूर्ण पूजन व्रत विधि नियम पारण का समय और तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तिथि कब समाप्त हो रही है, संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको पूजा की विधि बता देती हूँ। तो दशमी से ही जो है इस व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या सूर्योदय से पहले उठ के स्नान वगैरह करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर मंदिर में आ जाए। श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का पंचामृत से हो सके तो स्नान कराएं, नहीं है तो आप जल गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। उन्हें मंदिर में बिठाएं, पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं, पीले रंग के चंदन से जो है देव का और चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, पीली मिठाई चढ़ाएं। पीला रंग उन्हें अति प्रिय है तो कोशिश करके जो भी कार्य आप करें वो पीले रंग से ही करें। आप चाहें तो एक छोटे से एक अलग तरीके की कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि एक आप मिट्टी का कलश ले लें, उसमें अच्छे से जल भर दें और ऊपर एक प्याली रख दें, उसमें चीनी रख दें, एक का सिक्का रख दें और स्वास्तिक बना के जो है वो एकादशी के नाम पर आप उसे स्थापित करें। अपने व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, हम यहाँ से अपने निर्जल व्रत का संकल्प लेते हैं, मैं जल को ग्रहण नहीं करूँगी या नहीं करूँगा और अपने व्रत को संकल्प लेता हूँ, कृपया करके आप जो है इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखें। कहते हैं निर्जला एकादशी पे जो जल का जो कर रहे हैं निर्जला एकादशी का व्रत, अगर वो गलती से एक बूंद भी जल जो है वो ग्रहण कर लेते हैं तो उनका पूरा व्रत जो है वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, गर्मी का समय है, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ का संकल्प ना लें जो आपसे नहीं हो सकता, उसी चीज़ का संकल्प लें जिसे आप कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कोई बात है तो आप फिर ऐसा ना करें, इस चीज़ का संकल्प ना लें। इस प्रकार से आप अपने पूजा करें, श्री हरि विष्णु जी की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें, शाम को भी आप उनकी आरती करें, उन्हें भोग अर्पित करें, हो सके तो भजन कीर्तन भी करें। उससे क्या होता है, थोड़ा कम बोलें, एक चीज़ ध्यान रखें, कम बोलें, किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, किसी से बहुत अत्यधिक ना बोलें। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा बोलेंगे आपको प्यास लगेगी, आपको फिर पानी पीने का मन करेगा। तो वैसे भी गर्मी है तो विशेष ध्यान रखें इस चीज़ों का, एक दो दिन पहले आप जो अच्छे से पानी पीना शुरू करें, शरबत वगैरह पीते रहें। तो ये है इनकी पूजा विधि। अब दान क्या है, दान में जो है आप किसी को छतरी दे सकते हैं, रस भरे फलों का दान कर सकते हैं, मिट्टी के कलश का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। जो विशेष दान है वो ये है कि जल से भरा मटका और उसके ऊपर रखी हुई चीनी आप किसी ब्राह्मण देव को अवश्य दान करें। और ये कोई महत्वपूर्ण नहीं कि आप ब्राह्मण देव को ही दान करें, आप किसी भी ज़रूरतमंद को वो चीज़ दान करें। तो जो मैं आपको कह रही हूँ, मटकी आप मंदिर में रखिएगा, जल से भर के स्वास्तिक बनाकर उस पर प्याली रख के चीनी भरिएगा, आप कोशिश करके वही मटकी जो है वो आप किसी को दान कर दीजिएगा। अगर पानी जैसे उसमें सूख जाता है, नहीं बचता, तो आप अलग जो है सुबह जब पारण अपने व्रत का करें उसके पहले जो आप दान करते हैं उस समय आप उसमें पानी भर के जो है वो किसी को भी दान दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसका दान करें। कहते हैं निर्जला एकादशी के व्रत करने के लाभ मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि अगर साल की जो 24 एकादशी होती है, अगर आप उनके व्रत नहीं भी कर पाते हो तो आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का फल जो है लाभ मिलता है, आपके सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो, हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करती है, समस्त प्रकार के आपके कष्टों को समाप्त करती है, आपने जो भी जाने अनजाने हमसे पाप होते रहते हैं उन्हें समाप्त करती है। इस प्रकार से जो है आपको इनको पूजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत भीम भी रहे थे तो उनको मैं कथा है, कथा आगे आपको बता दूंगी। तो मैंने इसको लाभ भी बता दिए, दान भी बता दिया, पूजा की विधि भी बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ का समय क्या है, कब हमें इसका व्रत करना है। तो एकादशी व्रत होगा 2 जून 2020 दिन शुक्रवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जून 2020 को 2:46 दिन में। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जून 2020 को 12:04 दिन में। पारण का समय होगा 3 जून को
सुबह 4:44 से 7:24 तक। तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि आपका जो है वो तिथि कब पूर्ण हो रही है, तिथि कब समाप्त हो रही है, पारण का क्या समय है, 2 तारीख को हमें व्रत करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। निर्जला एकादशी व्रत के बहुत लाभ हैं, अनेकों लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। विष्णु धाम जो है, विष्णु लोक की आपको प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, आप सोच भी नहीं सकते आपको इतने लाभ मिलते हैं। अपनी क्षमता अनुसार दान ज़रूर करें, कोशिश करके एक मटका जो है वो दान करें। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो मेरे गुरुजी हैं जो वो बताते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मटके को स्वास्तिक बना के पीले रंग से उस पर जो है जल से भर के रखना चाहिए। उस पर कटोरी में चीनी रखिए, एक सिक्का रखिए और सफ़ेद कपड़े से उसे जो है वो ढक देना चाहिए, फिर किसी को जो है वो दान देना चाहिए। इसके कुछ विशेष नियम मैं बता दूँ, निर्जला एकादशी में अगर आप जल को ग्रहण करते हैं तो आपका व्रत भंग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जल की हानि ना करें, वे अर्थ जल ना बहाएं, साथ ही साथ किसी ऐसे स्थान पर आचमन ना करें जो कि अशुद्ध हो। अशुद्ध स्थान पर आचमन करने से आपका व्रत भंग हो जाएगा। जी हाँ, तो जब भी आप आचमन करें तो शुद्ध स्थान पर करें, किसी ऐसे स्थान पर ना करें जहाँ आचमन नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करके जल को बचाएं, जल को व्यर्थ बर्बाद ना करें, इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके के कार्य जो है इस व्रत में आपको नहीं करने चाहिए, एकादशी के व्रत में। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आप वही संकल्प लीजिए जो आप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी, इसका मतलब आपको निर्जला व्रत भी रहना है। एकादशी की शुभा, दसवीं को नहीं, दसवीं को आप पानी वगैरह पी सकते हैं। एकादशी की शुभा आप जो है वो जल का त्याग करेंगे, पूरे दिन आप जल का त्याग करेंगे, रात भर जल का त्याग करेंगे, अगले दिन सुबह जो है वो आप व्रत का पारण करके जल ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण देव का या जिनको भी आप दान देना चाहते हैं उनका दान निकाल कर। तो फ्रेंड्स, आशा करते हो वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी करते हैं सकते हैं, मैं वहाँ लेटेस्ट वीडियो की जो है वो अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ द न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।